तो कमेंट में जरूर बताएं कि कैसे लग रहा हूँ इस ड्रेस में। बर्फ गिर रही है बाहर, कितने खुश हो आप? अरे बहुत बढ़िया लगी हुई है। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज यार अभी बज चुके हैं करीबन 10, तो आज मैं बड़ा लेट उठा सो के, तो अभी मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ अपनी बहन के रूम में। तो देख सकते हो आप, ये तो यहाँ पर अपने लिए सॉक्स बना रही है। क्या बना रही है तू? सॉक्स। देखो जरा इसकी शक्ल कैसे बढ़ रही है। तो गाइज यार आज मौसम पूरा बिल्कुल ख़राब है और थोड़ा जुकाम बुखार सा भी है मुझे, तो मैं तो बिल्कुल मास्क वगैरह पहन के बिल्कुल रेडी हूँ ताकि ये भी बीमार ना हो जाए साथ में। तो अभी हम बाहर जाएंगे, बाहर का मौसम देखेंगे कैसे, बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आशा है कि आज बर्फ़ पड़ जाती तो यार गाइज अच्छा होता। तो क्या लगता है तेरे को, बर्फ़ पड़ेगी आज? हाँ बहुत ठंड हो गई है बाहर, तो मतलब पड़ सकती है ना, पड़ सकती है, तो उम्मीद तो पूरी है। तो चलते हैं जरा बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको कैसा है जरा मौसम आज। चलते हैं बाहर की ओर। ये रहा अपना ब्रॉनी। हेलो ब्रॉनी 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 ब्रॉनी। आप देख सकते हो यार बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी है, वाओ। तो आप देख सकते हो, हेलो अंकल, कैसा लग रहा है बर्फ देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है ना। तो गिर रही है बाहर, आ जा, बाहर बर्फ गिर रही है। तेरे को झूठ लग रहा है? आज तेरे सेजल बाहर बर्फ गिर रही है। झूठ नहीं, गुड़िया बाहर बर्फ गिर रही है। चलो बाहर आ जल्दी, उठो आओ जल्दी, आओ जल्दी जल्दी, आ जाओ देखो देखो जल्दी आ जाओ। खुशी है सेजल, खुश हो आप? खुश हो? बहुत। देख सकते हो आप कितने ज्यादा खुश हो चुके हैं सभी। हेलो पियू भाई, बर्फ देख के कैसा लग रहा है? बढ़िया। अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो गाइस काफी खुशी हो रही है क्योंकि बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी है। अंकल तो बिल्कुल यहाँ पर छाते वगैरह लेके रेडी हो चुके हैं। अंकल इसके बाद चलना है फिर घूमने? चलो। बहुत ही प्यारी स्नो फॉल हो रही है गाइस। अभी हम दादी गाइस, ये अपने दादी। हेलो दादी। अरे बेटा। अरे बेटा बोल। तो दादी बर्फ गिर रही है बाहर, कितने खुश हो आप? अरे बहुत बढ़िया लगी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ भी। बहुत। तो गाइज आप देख सकते हो मैं तो अपना बिल्कुल पूरी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के रेडी हो चुका हूँ। तो ये है लोहिया, ये है पापा का, पापा तो है नहीं घर पे इसलिए मैंने पहन लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे सड़क तक, गाय वगैरह को घास वगैरह डालता हूँ कुछ। आप देख सकते हो कैसे बर्फबारी हो रही है, काफी मजा आ रहा है यार गाइज। तो कमेंट में जरूर बताएं कि कैसे लग रहा हूँ इस ड्रेस में। तो अभी मैंने गाय वगैरह को घास वगैरह डाल दिया है, तो आया हूँ इस सड़क में। आप देख सकते हो गाइज कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, बस टिक जाती तो आगे फसलों में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। वाह। तो मैं अब जल्दी जल्दी जाऊंगा घर की ओर ऊपर, क्योंकि हाथ वगैरह देख सकते हैं आप एकदम से लाल हो चुके, सुन पड़ चुका है हाथ, जुकाम बुखार भी है मुझे। तो ज़्यादा ठंड में भी रहना नहीं पड़ेगा, कपड़े तो पहन लिए अच्छे से, हाथ पे बर्फ़ गिर रही है ना तो ट्राईपॉड भी नहीं पकड़े जा रहा है, बिल्कुल सुन पड़ चुके हैं हाथ। आप देख सकते हो कितनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है यार गाइस पीछे। गाइज अभी आ चुका हूँ मैं अंदर रूम में, लाइट आई है अभी, तो देख सकते हो आप अपना पहाड़ी जुगाड़। पूरा जुगाड़ कर दिया मैंने, पर बस बेड के साथ ही लगा लिया है फ़ोन चार्जिंग में, फ़ोन जल्दी जल्दी चार्ज हो जाए ताकि हम वीडियो वगैरह शूट कर सकें अच्छे से, बर्फ़ तब तक अच्छी टिक जाएगी बाहर। तो अब लाइट भी भाग चुकी है थोड़ा बहुत, फ़ोन भी मेरा चार्ज हो गया 80%, भी अब काफ़ी टिक चुकी है। तो अभी हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो ये मिस्टर अंश ये रेडी हो रहा है, जूते वगैरह पहन रहा है। तो मैं
लगातार बर्फबारी हो रही है। करीबन सुबह 10 बजे से 10:30 बजे से बर्फबारी हो चुकी है स्टार्ट। तो अभी बज चुके हैं 12:45, तो मंदिर के ग्राउंड में भी बर्फ पड़ चुकी है। यहाँ पर नरसिंह देवता जी का मंदिर है पीछे, तो पीछे भी आप देख सकते हो छत पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ टिक चुकी है। ऊपर पहाड़ों पे भी, पहाड़ तो नहीं दिख रहे यहाँ पर इतने अच्छे से क्योंकि धुंध जमी है ऊपर, अभी भी लगातार बर्फबारी हो रही है। तो अब हम डायरेक्टली ऊपर को निकलते हैं, यहाँ ऊपर तक जाते हैं ज़रा। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ऊपर हाइट की ओर, यहाँ ऊपर है मासू महाराज जी का मंदिर, मंदिर तक जाएंगे। जब ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं, बस यहीं ऊपर तक जाना है। तो लीजिए गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल साथ, हीरापार मंदिर। इधर से तो काफ़ी बर्फ़ टिक चुकी है। पीछे आप देख सकते हैं मासू महाराज जी का मंदिर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। तो पहुंच ही गए, ओनली 5 मिनट्स लगते हैं मेरे घर से यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, बट चारों तरफ अभी तो धुंध है इसलिए ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है। आधा इशारा में चाहिए गिरी मत। ओ भाई गिर गए, जोर से तो नहीं बजा? नहीं नहीं, मजा आ रहा है भाई, काफ़ी उतरा ही यहाँ पे, गिरने का पूरे पूरे चांस है, बट थोड़ा संभल कर अंशार गिरी मत। पर मजा काफी आ रहा है फिर भी। उफ, जोर से मजा यार, पर ज्यादा भी बट मजा आ रहा है। तो काफी मजा आ रहा है यार गाइज बर्फ के बीच। हम तो खेल भी लिए, एंजॉय भी काफी कर लिया मैंने और अंश ने, तो बस अब यहाँ से जाना बड़ा टफ है नीचे, क्योंकि पूरा फिसलन वाला रास्ता है। देखो क्योंकि नीचे तक बर्फ पड़ चुकी है ना। जैसे जुकाम भी लगे हुए, पर मानता नहीं दिल कि भाई बर्फ के बीच जाना है खेलने। हुसैन पहाड़ों का क्या कहना के बारो महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। भाई इतना आसान भी नहीं है नीचे को जाना, आराम से आइयो गिरियो मत। आप देख सकते हो संध्या हो चुकी है, रात भी थोड़ी देर होने वाली है, चारों तरफ दूध ही दूध। तो अभी आया हुआ है दुकान तक नीचे, तो आपको दिखाता हूँ अंदर। यहाँ पे आग जली हुई है और ब्रॉडी कैसे आग सेक रहा है। यार अभी हुआ मैं खाना वगैरह खाने के बाद बिल्कुल फ्री, तो इसके बाद करता हूँ वीडियो वगैरह एडिट। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज यार जैसा प्यार सारी वीडियोज़ में दे रहे हो तो ऐसे ही इस वीडियो में भी देना। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ ज़रूर बताएं कि लोहिया कैसे लग रहा था, कमेंट करना ना भूलें।